नमस्कार। अभी जिस भर्ती के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, यूँ तो बिहार के हर एक ज़िले में ये भर्ती निकल चुकी है और अभी धीरे धीरे कहीं कहीं निकल भी रही है। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके पहले से रखा हुआ होगा, उनको पूरा प्रोसेस पता होगा पहले से भी, और वो अच्छे खासे ज़िलों में आवेदन करके अपने चांसेस यानी कि नौकरी पाने की चांस को बढ़ा चुके होंगे, अभी तक आवेदन कर चुके होंगे। आपने मिस कर दिया है तो अगर आप चाहते हैं कि आगे के अपडेट्स मिस ना हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बकवास नहीं, फालतू चीज़ें नहीं, बस जेन्युइन चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। DLSA यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि आपको कोर्ट के तरफ से हर एक ज़िले के अंदर अभी विशेष प्रकार की एक भर्ती चल रही है। इस भर्ती में आपको हर एक ज़िले में तीन प्रकार के पोस्ट देखने को मिल रहे हैं और इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा डिटेल, कि कैसे आपको आवेदन करना है, क्या उम्र सीमा रहेगी, कितनी सैलरी आपको मिल जाएगी। तो अच्छी बात यहाँ पे है सबसे बड़ी कि यहाँ पे एग्जामिनेशन का कोई सीन नहीं है। उम्मीद है कि आपका जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे, अभी मैं जिस ज़िले की बात कर रहा हूँ ये वैशाली है, हाजीपुर के तरफ से निकाली गई है और यहाँ पे सीटों की संख्या दूसरे ज़िलों के सीटों की संख्या के अनुपात में थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट में थोड़े और कम सीट आए थे, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक है। तीन प्रकार के पोस्ट हैं, ऑफिस असिस्टेंट यानी कि कार्यालय सहायक का, डेटा एंट्री ऑपरेटर का और ऑफिस प्यून का। तो ऑफिस प्यून का यानी कि कार्यालय परिचारी का, कार्यालय परिचारी के लिए आपको 10th क्लास कम से कम पास होना पड़ेगा और बाकी के जो दो पोस्ट हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए कम से कम ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 20,000 रुपये प्रति महीने आपको मिलेगी और ये जो आपका मतलब काम कैसा है, परमानेंट है या आपका टेम्प्ररी है, तो ये सारी चीज़ें मैं हर वीडियो में बता देता हूँ, किसी के साथ कोई धोखा करने वाली बात नहीं है। तो ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, आपको कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वाली भर्ती है। भविष्य में हो सकता है कि कुछ हो जाए, वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, अगर आप काम सही से करते हैं तो आपका हो सकता है कि एक्सटेंशन होता रहे। तो ऑफिस असिस्टेंट का तीन पोस्ट है, 20,000 सैलरी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जाए तो एक पोस्ट है, 19,000 सैलरी है और कार्यालय परिचारी की बात करूं तो तीन पद है और 13,000 पर मंथ सैलरी है। सैलरी पे मत जाइएगा क्योंकि ये कोर्ट वाली वैकेंसी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी, यानी कि आपको पता है कि कोर्ट के कर्मचारी या कोर्ट के बाहर बैठने वाले जो कितने सारे शॉप्स होते हैं, कितने सारे प्रकार के काम लोग करते हैं, उनका घर जब चल जाता है तो आप कोर्ट के अंदर काम करने वाले हैं, तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। तो इसको क्वालिफिकेशन मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहां पे आप देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, यहां पे वो भी लिखा हुआ है, और साथ में आपका जो है फाइल प्रेजेंटेशन इन कोर्ट्स, मतलब बाकी जो चीज़ें हैं वो ट्रेनिंग पर निर्भर करती हैं कि हाँ पहले से अगर आपने किसी प्राइवेट या फिर सरकारी ऑफिस में काम किया होगा तो आपको तो सारी चीज़ें पता होंगी ही, लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर भी हैं तो अगर कोई भी स्टाफ कहीं काम कर रहा है किसी भी विभाग के अंदर तो आप पूछ सकते हैं कि ऑफिस का माहौल कैसा होता है और वहाँ पर क्या काम होता है, ठीक है, तो आपको बता देगा, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जा सकता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूं तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए और साथ में आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। और वहीं बात करूं फ्रेंड्स मैं आपको ऑफिस प्यून की यानी कि कार्यालय परिचारी की, तीन सीटों पे यहाँ पे आपको बस 10th क्लास पास होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं, साइकिल चलाने आता है तो आप एलिजिबल हैं। अब इस PDF में फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको मैंने अलग करके आपको समझाने के लिए अलग स्लाइड बनाया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए, जो फॉर ऑफिस असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूँ तो एज कितना रहना चाहिए आपका, ठीक है, तो कम से कम आपकी 21 साल होनी चाहिए उम्र। अगर कार्यालय परिचारी का भरना चाहते हैं तो 18 साल से भी आपका वो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर या ऑफिस असिस्टेंट यानी कि कार्यालय सहायक के पद की बात करें तो मिनिमम आपका 21 साल उम्र होना चाहिए। और अधिकतम की बात करूँ तो आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं, यानी कि जनरल के मेल हैं, जनरल जाति सामान्य के तो 37 साल तक, फीमेल हैं जनरल की तो आपको 40 साल तक का मिलेगा मौका, OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको 40 साल तक का मौका मिलेगा, मेल फीमेल दोनों को, और SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 42 साल तक का मौका मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ें समझ गई। फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अब आपको प्रोसेस समझा देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने पहले ये जो क्वालिफिकेशन है ये तो आपको समझा ही दिया कि क्या क्या चाहिए, आगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना पड़ेगा, क्योंकि साथ में अटैच करके भेजना है आपको। कैसे भेजना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए आपको जो यहाँ पे 10th क्लास का मार्कशीट हो गया, साथ में आपका प्रमाण पत्र जो 10th क्लास का होता है जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये दोनों 12th क्लास का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, ग्रेजुएशन का आपका प्रमाण पत्र और मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप EWS या OBC के नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट दिखाना चाहते हैं तो आपको एक साल के अंदर का वो होना चाहिए। SC ST का सर्टिफिकेट पुराना है तब भी चलेगा, OBC के नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट और आपका EWS का सर्टिफिकेट एक साल के अंदर का होना चाहिए, मैं दोबारा से बता देता हूँ। और विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान का मतलब अगर आपने कोई ट्रेनिंग कर रखी है या फिर आपने कहीं जॉब किया हुआ है पहले से, तो इसका सर्टिफिकेट आपको बनवा के लगाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो गया, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो गया, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में आपने काम किया है तो वहाँ का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि सामने वाले बंदे जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे होंगे उनको ये लगेगा कि ये जो कैंडिडेट है इसमें दम है, ये पहले से कहीं काम करके आ रखा है। ठीक है, अब है कि फ्रेंड्स आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे यानी कि इसको भेजना है, अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट भी है वो भी मैं दिखाऊंगा फॉर्म कैसा है। तो सभी जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने आपको बताए हैं, मान के चलिए कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स हो गया, एक मार्कशीट हो गया आपका, तो सभी पे स्व अभिप्रमाणित करना है, सेल्फ अटेस्टेड इंग्लिश में बोलते हैं। तो करना कुछ नहीं होता है, सीधा आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि नीचे आपको साइन कर देना होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अटैच करेंगे नीचे कहीं भी जगह दिखेगा वहाँ पे सिग्नेचर करके डेट लिख दीजिएगा तो वो सेल्फ अटेस्टेड हो गया। ठीक है, यानी कि स्व अभिप्रमाणित कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने हिसाब से बिल्कुल सही लगाया है, ये करना मत भूलिएगा। अब है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्मेट हैं उसको क्या करना है, तो उसको ये A4 साइज लिफाफा है। ठीक है, A4 साइज यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स जितना भी होगा उसको मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खड़ा खड़ा आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप A4 साइज लिफाफे के ऊपर यहाँ पे पद, कौन से पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये लिख दीजिएगा। फ्रॉम यहाँ पे जो होता है, फ्रॉम मतलब आपको अपना पता यहाँ पे लिखना है ये पूरे इसमें। ठीक है, और यहाँ पे ये मत लिखिएगा। ठीक है, मैंने पूरा फॉर्मेट सही से बनाया हुआ है। यहाँ पे फ्रॉम में आपको अपना एड्रेस, घर का पता, जहाँ से जहाँ के आप निवासी हैं वो लिखना है। टू में आपको ये वाला नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे PDF में मेंशन किया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टू ऐसे लिखना है, द सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सिविल कोर्ट वैशाली हाजीपुर, इतना आपको बड़े वाले लिफाफे पर लिखना है। एप्लीकेशन के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं सभी को अटैच कर देना है, और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ ये एक छोटा वाला लिफाफा लगाना मत भूलिएगा। ये क्यों लगवाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। छोटे वाले एक लिफाफे में, जैसे कि आपने ब्राउन कलर या वाइट कलर का लिफाफा देखा होगा छोटा सा जो चिट्ठी घर पे पहले आती थी आपके, तो उस पर क्या करना है, वो खरीद लेना है आपको, 22 रुपये का डाक टिकट यहाँ पे चिपका देना है। ठीक है, लिफाफे के ऊपर 22 रुपये का स्टाम्प जरूर चिपकाइएगा। टू में अपना एड्रेस पूरा लिखिएगा। देखिए यहाँ पे टू में आपने जहाँ भेजना था वो एड्रेस लिखा था, लेकिन छोटे वाले लिफाफे में आपको अब यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, जो एड्रेस आप यहाँ पे लिख रहे थे फ्रॉम में, वहाँ पे टू में लिखना है छोटे वाले पे, क्योंकि ये आपके पास वापस आएगा, एडमिट कार्ड के तौर पे आपको भेजा जाएगा। यहाँ पे मोहर रहेगा डिपार्टमेंट का फ्रॉम में। ठीक है, वो खुद से मार के देंगे, और आपको टू में अपना एड्रेस लिखना है। तो तीन चीज़ आपको कंफर्म हो गई, ये वाला लगाना है डॉक्यूमेंट्स में, आपको छोटा वाला लिफाफा डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है, जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैंने आपको बता दिया है ये वाला। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स, और सभी को सेल्फ अटेस्टेड कर देना है स्व अभिप्रमाणित। तो इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई, अब आपको एप्लीकेशन में दिखा देता हूँ। तो ये फ्रेंड जो PDF है इसी में आपको नीचे एप्लीकेशन मिल जाएगा, और ये एप्लीकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा या फिर वैशाली के ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट वाले साइट पर मिल जाएगा। अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हैं आप देख रहे हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी जिले के कैंडिडेट आवेदन करेंगे, इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बहुत सारे जिले में मेंशन था। आसपास के अगर आप जिले के हैं तब भी आप करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एप्लीकेशन इसके साथ दिया हुआ है, इसको भर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में आपको ये सेकेंड वाला जो फॉर्म है इसको भी भर लेना है, 2 पेज का आपको ये फॉर्मेट दिया गया है। प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जो आपके घर पर वापस आएगा ये वाला, इसको फोटो वोटो जहाँ पे चिपकाने का जगह चिपका लीजिएगा। ठीक है, और साथ में जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा तो आपकी किस्मत चमक सकती है और हमें अच्छा लग सकता है। तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली जॉब अपडेट के लिए, वो भी जेन्युइन वाली,
कम सीट देख के ये मत समझिएगा कि सीटें बिक गई होंगी, इसमें कौन अप्लाई करेगा, होएगा नहीं होएगा, ये सब सोच के बहुत सारे लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जिनका होना होता है ना फ्रेंड्स वो हो जाता है, भले ही जुगाड़ से हो, जैसे भी हो, आपकी इच्छा है, आप अपना पूरा प्रयास करते रहिए, बाकी तो ऊपर वाला देख ही रहा है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।